से बेटा? साहिल, साहिल, साहिल बॉल वापस करो। नहीं मम्मा, मुझे खेलना है। नहीं साहिल, चलो हम लोग झूला झूलते आओ। कोई बात नहीं बेटा, खेलने दो ना, बच्चे हैं। आजा बच्चा, जाओ साहिल के साथ खेलो। चलो तुम दोनों वापस जाके हाँ, खेलो। तुम बैठो। नाम क्या है तुम्हारा? जी मनीषा। रहती कहाँ हो? वो मीरा टावर है ना, बस वहीं रहती। पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे तुम्हें? वो मुंबई में नहीं आई हूँ, कुछ ही दिन पहले शिफ्ट किया है यहाँ पर। ओहो, देर हो रही है, मेरा बेटा आता ही होगा। चलो रोहन बेटा, चलो देर हो रही है, आ जाओ घर चलते हैं। चलते हैं, चलो जाके झूला झूल। भाभी, ये बुढ़िया जिस फ्लैट में रहती है ना, वो सोसाइटी बहुत ही पॉश है। अच्छा भाई, तुम्हें कुछ पता चला? अभी तो शुरुआत हुई है, देखते जाओ, पता चल जाएगा। बताएगी ये खुद, अभी मालदार पार्टी है। तो फिर काम कब से शुरू करना है? तो देखती जा। साहिल, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, खेलने जाना है ना। क्यों, खेलने तो जाना पड़ता है ना? मम्मा झूठ रही हैं। अच्छा, तो फिर चॉकलेट कौन खाएगा? तो जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ, क्या हुआ भाभी, क्यों परेशान हो, किस सोच में हो? अरे क्या बताऊं पूजा, साहिल देखना परेशान होके बैठा हुआ है, जिद कर रहा है कि उसे प्ले स्टेशन चाहिए, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के पास है। कहां से लाके दूं प्ले स्टेशन? तो खरीद दो ना। पिछली कमाई के सारे पैसे खर्च हो गए, कहां से खरीदूं? अच्छा भाभी, उस बुढ़िया से कोई इन्फॉर्मेशन निकली क्या? अरे नहीं यार, वो बुढ़िया एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं देती है, मेरे से सब कुछ पूछ लेती लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताती। भाभी, अब साहिल और उसका पोता दोस्त है, तब उसके घर क्यों नहीं चले जाती? शायद वहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकल जाए। बिना बुलाए कैसे घर पहुंच जाए पूजा? बुढ़िया को बुलाना भी चाहिए ना, शाम को उसका बेटा आता है, उस टाइम पे वो पार्क से चली जाती है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं, इन्फॉर्मेशन तो मैं निकाल के रहूंगी। और तू देख, वो घर भी बुलाएगी, जरूर बुलाएगी, वेस नहीं जाने तो मैं उसे। ठीक ही हुआ जो साहिल रोहन का दोस्त बन गया, वरना हमारे ऊपर जो शर्मा जी है ना, उनके बच्चों के जाने के बाद इसने घर में तूफान मचा के रखा है। उफ, क्यों बाजी, शर्मा जी के बच्चे कहाँ गए? अरे वो वेकेशन छुट्टियों में ना उनकी फैमिली होम टाउन गई है, हमारे ऊपर ही रहते हैं टॉप फ्लोर में, बस अभी एक हफ्ते बाद आ जाएंगे। अरे हाँ, कल रोहन का बर्थडे है। अच्छा। तो तुम शाम को कल साहिल को लेके जरूर आना। हाँ, पक्का, बोलना मत, आना, मैं चलती हूँ। चलो बेटा रोहन। जी मैडम, कहिए। 302 में पारी जी रहते हैं, उनके बेटे का बर्थडे है, वहीं जाना है। जी, आपका नाम? मनीषा। एक सेकंड। मनीषा मैम आए हैं, ऊपर भेज दूं? जी ओके, जाइए। थैंक यू। पता है ना क्या करना? हाँ भाभी, मैं शर्मा जी की छुट्टियां मनाती हूँ, आप बर्थडे मनाओ। ध्यान से, हाँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे चिंता मत करो भाभी, आपके साथ रह रहे के इतनी ट्रेंड तो हो ही गई हूँ। चल गुड लक। नमस्ते, कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ, कैसे हो बेटा?
जाइए ना मैम। इधर आओ, देखो कौन आया। माँ जी। हाँ। एक मिनट, कौन है ये औरत? ये इसके बेटे के साथ रोहन रोज पार्क में खेलता है। बड़ी सीधी और भोली औरत है। माँ जी, लेकिन आपको पता है ना कि ऐसे ही बिना किसी को जाने पहचाने घर पर नहीं बुलाते। तू बेकार में घबराती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत शरीफ है। केक कटिंग का टाइम हो रहा है, चलो चलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ, केक काटते हैं, चलो। अब ऐसे झूठ के नकाब में कोई सच को पहचाने भी तो कैसे? मनीषा ने इतनी चालाकी से अपने ही मासूम बेटे साहिल के सहारे रोहन की दादी को मोहरा बनाकर कब उनसे पड़ोसी शर्मा की जानकारी निकलवा ली, उन्हें पता ही नहीं चला। और जाने अनजाने में कभी ना कभी ऐसी गलतियां हम सभी कर बैठते हैं, और हमारी यही भूल कभी हमारे लिए तो कभी हमारे सगे संबंधियों परिचितों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। अफसोस तो यहां यह देखकर होता है कि ऐसे लोग अपनों को भी क्राइम के दलदल में घसीटने से नहीं हिचकिचाते, फिर चाहे वो मासूम सा बच्चा ही क्यों ना हो। क्या भविष्य होगा इस बच्चे का, और ये औरतें और कितने लोगों को इसी तरह अपना शिकार बनाएंगी। शर्मा जी की छुट्टियां मुबारक हो भाभी। तुम्हें भी। दिखा दिखा दिखा, क्या क्या मिला है? Oh my God. बात है। क्या मनसुख भाई, माल आया नहीं, आप तक खुशबू पहले ही पहुंच गई। आपने आदत जो डाल दी हमें। अरे मनसुख भाई, मैं कल आके मिलती हूँ ना, बाद में बात करते। देखो कितना पैसा, कितना माल। हाँ जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो ठीक हूँ। अच्छा तुम बताओ, साहिल कैसा है? साहिल बिल्कुल सही है। जब देखो आपको याद करता रहता है कि पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। कब आ रहे हैं आप? इस बार मैं थोड़े दिनों के बाद आऊंगा। वो क्या है ना, सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही, और तुम खर्चा जरा सोच समझ के करना। हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब मैनेज कर लूंगी। अच्छा अभी रखती हूँ, साहिल को खाना देना है। ओके बाय। भाभी ये भैया का फोन था ना? हाँ। भाभी अगर भैया को किसी दिन हमारे हमारे इस कांड के बारे में पता लग गया तो फिर क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। अभी मैंने पिज्जा मंगवाया, चलकर खाते, ठंडा हो जाएगा। चल फटाफट रख। भैया कुछ मजा नहीं आया, कोई नए डिजाइन दिखाई ना। वो वाला अंकिता बेटा, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है, देखो। लेकिन माँ मुझे ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आप कुछ और दिखाइए ना। जी
भाई अच्छा है। अंकिता बेटा। जी पापा। तुम ज्वेलरी देखो, तब तक मैं जयेश को फोन करके पूछता हूँ वो कहाँ गायब हो गया। ओके या पाटिल अंकल, आई एम सो सॉरी, एक प्रॉपर्टी मीटिंग में मैं फंस गया। अरे कोई बात नहीं जयेश बेटा। आंटी जी, हो गई शॉपिंग आपकी? हाँ हो गई। और अंकिता? हाँ चलिए जयेश भैया चलते हैं, वैसे भी ना मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आ रहा, और पिछली बार जो सिलेक्ट किया था वो भी नहीं है इनके पास। मैडम दो दिन में तो आ जाएगा ना, प्लीज हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके चलिए, थैंक यू। थैंक्स मैम, आइए। भैया एक्चुअली कुछ मजा नहीं आ रहा, हम एक दो दिन के बाद आते हैं, ठीक है? ओके थैंक यू। क्यों रहे हो? किसके साथ हो? मम्मा, कहाँ है मम्मा आपकी? मुझे मम्मा की बात। अरे हाँ बेटा, अरे रो मत, कहाँ है तुम्हारी मम्मी पापा? अकेले हो? अच्छा एक काम करते, मैं आपके मम्मी पापा को फोन करूँ आपके फोन से? अरे आपका फोन तो चार्ज ही नहीं है। अच्छा बेटा देखो, अच्छे बेटे हो ना, रोते नहीं, मेरा ऑफिस है यहाँ पे, आपके फोन को चार्ज करेंगे, उसके बाद मम्मा को फोन करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो। बेटा यहाँ पे अभी आपका फोन चार्ज करते हैं, फिर मम्मी से बात करते हैं, ठीक है? गुड बॉय। ये देखो फोन आ गया। हेलो हेलो बेटा, साहिल कहाँ है तू? कहाँ चला गया? मैं कब से तुझे फोन मिला रही हूँ। मैडम देखिए, आपका बच्चा मेरे पास है, ये बच्चे के हाथ में जो फोन था ना वो स्विच ऑफ था, बस अभी अभी चार्ज किया है मैंने। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा बेटा तो ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही है, आपका बच्चा एकदम सही सलामत है, वो तो मेरे दुकान के सामने रो रहा था ना, तो मैं उसे अंदर लेकर आ गया। शॉप की बात, आपकी शॉप कहाँ है? साहिल कहाँ चला गया था तू? मेरी जान निकाल के रख दी तूने, कब से फोन कर रही हूँ तुझे, जब देखो मोबाइल में लगा रहता है, सारा दिन बर्बाद कर दिया, एक फ्लैट नहीं देख पाई तेरी वजह से। देखिए इसे डांटिए मत, ये पहले ही घबराया हुआ है। वैसे आप फ्लैट देख रही है क्या यहाँ पे? जी जी, एक्चुअली मैं मुंबई में नई हूँ, नया जॉब लगा है मेरा, मेरे हस्बैंड पुणे में रहते हैं और कुछ दिन के बाद वो ट्रांसफर लेके यहाँ पर आ जाएंगे, सो मैं सोच रही थी यहाँ पर शिफ्ट करने के लिए, इसलिए फ्लैट। मैडम अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ फ्लैट दिखा दूं, मैं एक एस्टेट एजेंट हूं। जी बिल्कुल। भाभी वो मुर्गा फंसा क्या? अरे कहां यार, पता नहीं कैसे कैसे फ्लैट दिखा रहा है वो, इस बिल्डिंग में तो कुछ दिखाई नहीं रहा। भाभी जो करना है जल्दी करो, भैया का ट्रिप से आने का टाइम भी हो गया है, और फिर उसके बाद हमें वो शरीफ बनकर रहना पड़ेगा। अरे यही तो टेंशन मुझे भी है, तेरे भैया वैसे तो हमारे लिए कुछ अच्छा करते नहीं है, ऊपर से टेंशन और दे देते हैं, शक करते हैं।
वैसे मैं पता है कभी कभार सोचती हूँ कि मैंने अपने लालच के चक्कर में तुझे भी ले लिया। सो सॉरी यार। अरे भाभी कौन सी धुन में चली जा रही हो? और वैसे भी आपका साथ देना मेरा ये खुद का फैसला था। और आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपने भाई से ज़्यादा प्यार करती हूँ। अरे हाँ जयेश जी, हाँ मैं आपको कल मिलती हूँ। हाँ ओके, बस अब दुआ कर कि काम अच्छे से हो जाए। हो जाएगा। ये देखिए मैडम, शायद ये फ्लैट आपको पसंद आ जाए। एक्चुअली ये फ्लैट मुझे काफी सूट करता है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही फर्निश फ्लैट चाहिए था। आई लाइक इट। चलो अच्छा हुआ कि आपको ये फ्लैट पसंद आ गया। वैसे मैडम मैं भी इसी सोसाइटी में बगल वाली विंग में रहता हूँ। अच्छा, तो अगर कोई बात होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वैसे कब शिफ्ट करना चाहते हैं आप? एक्चुअली मैं कल शिफ्ट करना चाह रही थी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बस ये फ्लैट का डिपॉजिट। ओह ये लीजिए, ये 20,000 एडवांस है, बाकी मैं शिफ्ट करने के बाद दे दूं। थैंक यू सो मच मैडम। एक्सक्यूज मी। हाँ पाटिल अंकल। हाँ जी। अरे कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है, मैंने ज्वेलर से ऑलरेडी बात कर ली है। हाँ मैं आज ही आंटी के साथ जाकर सारी ज्वेलरी लेकर आ जाऊँगा और आते आते वेडिंग कार्ड्स भी लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, ओके अंकल बाय। आपके घर में कोई शादी है क्या? अगर ऐसी बात है तो बता दीजिए, मैं अकाउंट से बाकी पैसे निकाल के आपको दे दूँगी। अरे नहीं नहीं, मेरे घर पर कोई शादी नहीं है, मेरे जो पड़ोसी है ना वहाँ पर शादी है, लेकिन वो मेरी फैमिली जैसी है। तो एनीवेज एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एक फोटोग्राफ और आईडी लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ना मेरे बैग में पैक्ड है और कल तो सैटरडे संडे है, आपका भी कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको मंडे को दे दूँ? कोई बात नहीं, नो इश्यू। तो मैं ये फ्लैट की साफ सफाई करवा देता हूँ, आप कल आके शिफ्ट हो जाइए। हाँ बिल्कुल, चले। थैंक यू। चल आई आई। मैडम वो एग्रीमेंट के लिए आईडी और बाकी के पैसे। वो आई एम सो सॉरी एक्चुअली। मम्मा मम्मा मम्मा। क्या हुआ बेटा? साहिल की तबीयत कल रात से बहुत ज्यादा खराब है। आप इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई? मैं बस जाने ही वाली थी इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढ पाए। अरे आईडी तो मिल जाएगा मैडम, पहले आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। पर वो काम भी तो जरूरी है ना, आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। अरे मैडम प्लीज आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, वैसे भी आजकल सब जगह डेंगू फैला हुआ है। प्लीज मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके चल मेरे बेटा उठ जा। मम्मा कल प्लेस्टेशन पक्का? पक्का? मम्मी तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत कर रही है। ये एक्टिंग की है तुमने, वेरी गुड। जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा मौका है। हाँ तो ठीक है भाभी, फिर मैं निकलती हूँ। एक सेकंड, ये सब लोग तो चले गए, ये जयेश अपनी विंग की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं? पूछा कुछ तो गड़बड़ है। दो मिनट रुक, मैं तुझे कॉल करती हूँ। अब ठीक है। मनीषा जी ये क्या हो गया आपको? जयेश जी मैं आपके पास ही आने वाली थी।
अरे मनीषा जी, आपके पाँव से तो बहुत खून बह रहा है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चलिए चलिए, आराम से आराम से। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। बस बस पहुंच गए मैडम। सेट हो गया ना, अब हमें जल्दी चलना चाहिए इससे पहले कि पाटिल की फैमिली आ जाए। चलो भाभी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों? बस 40-50 हज़ार ही थे। ए, कम से कम वो तो ले आती। भाभी नहीं, इतना बड़ा प्लान ये छोटी सी चोरी करने के लिए नहीं किया है। किसी को शक ना हो इसलिए सब कुछ वापस वैसे का वैसे सेट करके आई हूँ। लेकिन अब क्या करेंगे? ये देखो मैं कार्ड लाई हूँ। आज से ठीक एक हफ्ते बाद 21 तारीख को घर में सगाई है और सारी ज्वेलरीज तो घर पर आएंगी ही, पक्की बात है। और फिर आएगा मजा। लेकिन लोग भी तो घर पर होंगे ना? शायद नहीं, क्योंकि पार्टी वेन्यू वसई में है तो बाकी लोग तो वहीं पे जाएंगे। बस सगाई के एक दिन पहले वो लड़की और उसके मॉम डैड और साथ साथ तुम्हारा वो जयेश, उसको बस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। उसकी टेंशन तू मत ले, वो मुझ पर छोड़ दे। कामकाज के सिलसिले में हम रोज ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं और उन पर भरोसा भी करना पड़ता है, क्योंकि रोज रोज तो कोई धोखा खाता नहीं। लेकिन जिस दिन हम धोखा खाते हैं उस दिन एहसास होता है कि एक अनजान आदमी पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की। और मनीषा और पूजा जैसे अपराधी हमारे इसी भरोसे, या फिर यूं कहिए कि असावधानी का फायदा उठाते हैं। भरोसा करना इंसानियत की निशानी है, लेकिन इन औरतों ने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे, मैं अपना आईडी आपको कल दे दूंगी, तब तक आप अग्रीमेंट टाइप करा लीजिए। जी मैं जरा गिन लेता हूं। हां जी, आप कब आ रहे हैं? अरे कहां हो तुम, मैं कब से फोन लगा रहा हूं, और इतने सारे पैसे और ये सब नए कपड़े कहां से आए? हेलो हेलो, हाँ कुछ आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मैं नेटवर्क में आके बात करती हूँ, एक सेकेंड ना। हेलो हेलो, जी पाटिल अंकल, सॉरी उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था, अब बताइए। जी अच्छा, हाँ तो एक काम कीजिए ना, आप मुझे वो बैंक्वेट हॉल और केटरर की डिटेल्स दे दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा, एक प्लेन पेपर मिलेगा मुझे? थैंक यू। जी अंकल बोलिए। जी जी ठीक है अंकल, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ओके हाँ ठीक है, मैं वापस आके बात करती हूँ। ओके क्या बात है मैडम, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। एक्चुअली थोड़ी सी अर्जेंसी आ गई थी, मुझे 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा अर्जेंटली। आप तब तक मकान मालिक को डिपॉजिट देकर कुछ मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। मैं आईडी वापस आके दे दूंगी। ठीक है मैडम, आप पुणे से आ जाइए, उसके बाद मैं एग्रीमेंट के सारा काम निपटा देता हूँ। लेकिन प्लीज़ मैडम भूलिएगा नहीं, वो क्या है ना कि मकान मालिक पूछ कर मेरी जान खा ली है उसने। थैंक यू सो मच, सो सॉरी। इट्स ओके, मैं आता हूँ बाद में। थैंक यू।
पूजा तेरे भैया घर पर पहुंच गए। क्या भैया? भाभी भैया आ गए हैं। भाभी अब हम क्या करेंगे? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उन्होंने घर में रखा सारा कैश, सारे गिफ्ट्स देख लिए और मुझे जल्द से जल्द बुलाया। मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ, तू भी जल्दी निकल। और भाभी साहिल? साहिल को मैंने उसके दोस्त के यहाँ खेलने भेज दिया है, वरना उसे कुछ ना कुछ जरूर बुलवा लेते। भाभी अब हम कहेंगे क्या? वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगे। और अगर उन्होंने पुलिस को बता दिया तो? अरे शुभ शुभ बोल, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास। वो क्या भाभी? तू मेरी बात ध्यान से सुन। वैसा ही करना। ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें तुम्हें इतना कैश मिल रहा है और नई नई गिफ्ट मिल रही है, बताओ मुझे। हाँ, और मेरे जाने के बाद तुम ऐसा कौन सा बिजनेस करती हो? देखो मनीषा, ऐसे रोने से नहीं चलेगा, समझी? मैं तुम्हारा और साहिल की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये जरूरतें पूरी करने के लिए तुम ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही हो? क्या काम कर रही हो मुझे बताओ। देखो मनीषा, ऐसे मुझे बेवकूफ बना के नहीं चलेगा, मैं कह देता हूं तुम्हें। बस भैया, आप भाभी पे शक कर रहे हैं, और भाभी आप भैया यहां पे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रही, चुप क्यों हैं आप? बस पूजा, अब ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? इनको मेरे ऊपर जरा भी विश्वास नहीं है, मैं क्या सफाई दूं? नहीं करूंगी मैं नौकरी, सब छोड़ दूंगी, ये जैसा कहेंगे वैसे ही चलूंगी, इनके हिसाब से ही घर मैनेज कर लूंगी। भैया आपने आज भाभी पर शक करके बहुत गलत किया है। आप यही जानना चाहते हैं ना कि भाभी क्या काम करती हैं? तो सुनिए, भाभी दो काम करती हैं, एक एक एमके ज्वेलर्स में मनसुख भाई के यहाँ पे, और दूसरा ये ब्रोकरेज का काम। और ये जो कैश पड़ा है ना, ये कमीशन के और कस्टमर के एडवांस के पैसे हैं। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता है ना, तो मैं आपको मनसुख भाई का नंबर देती हूँ, अब उन्हें कॉल कर कंफर्म कर लीजिए। भैया आप क्यों नहीं समझते, भाभी यहाँ पे दिन रात मेहनत कर ये पैसे कमा रही हैं, और आप है कि इन्हें सराहने के बजाय उन पे शक कर रहे हो। अरे मनीषा बहन, मनसुख बोल रहा हूँ। कब आ रही हो? मनसुख भाई सॉरी, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। और क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं बता सकती आपको, मैं नहीं काम करूंगी। अरे पर हुआ क्या है मनीषा बहन, वो तो बोलिए। मैं आपको नहीं बता सकती मनसुख भाई। भाभी अब आपको कितनी भी शिफ्टें करने से ना कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मानना पड़ेगा, आप एक्टिंग बड़ी सॉलिड कर लेते हो। तुमने भी कुछ कम एक्टिंग नहीं की है, बहुत अच्छी एक्टिंग। अच्छा वो सब छोड़ो भाभी, 20 तारीख का क्या सोचा है? क्योंकि उसके अगले दिन ही वो अंकिता की सगाई है। तू ना टेंशन मत ले, सारी प्लानिंग मेरे दिमाग में है। हाँ रमेश भाई। हाँ हाँ, मनीषा जी की आईडी के साथ एग्रीमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मैं आप ही पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं उन्हीं के फ्लैट के सामने हूँ, आगे होगी वो। जी जी, मैं करता हूँ आपको फोन। हेलो मनीषा जी, कहाँ हैं आप? जयश्री, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लेके आई हूँ। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है जयश्री, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप यहाँ पर आ सकते हैं? मनीषा जी आप घबराइए मत, मैं बस वहाँ पहुँचता हूँ मैं अभी। जी जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। बड़े खेल के लिए रेडी हो जा, मैं तुझे फोन करती हूँ।
मनीषा जी क्या हो गया, साहिल कैसा है? जयेश, मैं पुणे से घर आ रही थी, रोड क्रॉस करते टाइम अचानक साहिल मेरा हाथ छोड़कर भाग गया और एक बाइक वाला उसे मारकर चला गया। उसके सर पे बहुत चोट आई है जयेश, उसको उसको ऑपरेशन के लिए गए अंदर, पता नहीं क्या होगा। मनीषा जी देखिए घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। जयेश जी आप मुझे अपना फोन देंगे? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, मैं अपने पति से बात कर रही थी तो फोन बीच में कट हो गया, मुझे आप अपना फोन दीजिए। हाँ हाँ, मुझे उनको पूछना है कि वो कब तक आ रहे हैं, वो भी परेशान होंगे ना। आप कीजिए फोन। हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल मलाड से बोल रही हूँ। जय शाह का बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, उनके तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है, आप लोग प्लीज जल्दी से आ जाइए। क्या जय जी, मेरे पति एक घंटे में आ जाएंगे, मैं साहिल के बारे में डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ। जी यहाँ तो कोई इस नाम का एक्सीडेंट पेशेंट एडमिट नहीं हुआ है। अब सिस्टर ऐसे कैसे हो सकता है, तकरीबन एक घंटे पहले मुझे लेडी का कॉल आया था, बता रहे थे कि जय शाह का एक्सीडेंट हुआ है, वो सिटी हॉस्पिटल मलाड में एडमिट है। अब प्लीज़ थोड़ा देख लीजिए मैम। देखिए शायद आपको सुनने में गलती हुई होगी, यहाँ पर इस नाम का कोई पेशेंट एडमिट नहीं है, आप देख लीजिए। जयेश भैया। अंकिता आप ठीक तो है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या है? पता नहीं जयेश, तुम्हारे फोन से किसी लेडी का मुझे कॉल आया था, वो बता रही थी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो। क्या आप अंदर फोन देंगे? मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई, मैं अपने पति से बात कर रही थी तो फोन बीच में कट हो गया, मुझे आप अपना फोन दीजिए। मुझे उनको पूछना है कि वो कब तक आ रहे हैं, वो भी परेशान होंगे ना। आप कीजिए फोन। भाभी मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, बिल्कुल दुल्हन जैसी। चलो तुम्हारी शादी के लिए लहंगा भी आ गया, ज्वेलरी भी आ गई, अगर सिर्फ कमी है तो सिर्फ एक अच्छे से दूल्हे की। हमारे बेटे की शादी का सब लुट गया। हाँ सर, कुछ भी नहीं छोड़ा घर में, कैश, ज्वेलरी, शादी के कपड़े, कुछ भी नहीं सर। हमने उसके फ्लैट को भी सर्च किया है,
और वहां से भी हमें कुछ नहीं पता चला है। सर ये सब मेरी ही लापरवाही और गलती की वजह से हुआ है। बिना वेरिफिकेशन और बिना किसी एग्रीमेंट के मैंने ये फ्लैट उन्हें रहने के लिए दे दिया। एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपका एक फोटोग्राफ और आईडी लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ना मेरे बैग में पैक्ड हैं और कल तो सैटरडे संडे है, आपका भी कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको मंडे को दे दूँ? कोई बात नहीं, नो इश्यू। साहिल की तबीयत कल रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप इसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई? मैं बस जाने ही वाली थी इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं ढूंढ पाए। अरे आईडी तो मिल जाएगा मैडम, पहले आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाइए। एक्चुअली थोड़ी सी अर्जेंसी आ गई थी, मुझे 2-3 दिन के लिए पुणे जाना पड़ेगा अर्जेंटली। आप तब तक मकान मालिक को डिपॉजिट देकर कुछ मैनेज कर लीजिए ना प्लीज। सोचा था कि छोटा बच्चा है, परेशान है, लेकिन वो इतनी चालाक निकलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मिनट। बोला। ओके। आपने मनीषा का जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया था ना, उसकी आईडी भी फेक है। उस लड़की ने जयेश से सारी इंफॉर्मेशन निकालकर बहुत ही शातिर तरीके से इस घर में चोरी को अंजाम दिया है। खैर मैं चलता हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों को बताऊंगा। जी सर। बेटा अब कल सगाई भी नहीं हो सकती, सारी बुकिंग्स कैंसिल कर देना। अंकल अंकल आई एम वेरी सॉरी अंकल, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया आपको। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है, तुम तो उसका भला ही करने चले थे ना। समझ में नहीं आ रहा कैसे ढूंढूं उसे मैं। हेलो जी, जी क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? एक मिनट मैं जरा नोट करता हूँ। मैं बोलिए। मैं आपको फोन करता हूँ। मैं नोट डाउन कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा एक प्लेन पेपर मिलेगा मुझे? थैंक यू जी। अंकल बोलिए जी। जी साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया साहब, सच बोल रहा हूँ साहब, बताता मैं उनके सब जो चोरी का माल मैं ही खरीदता था साहब। मैं आपको उनका नंबर देता हूँ, सब मत मारिए पर साहब मुझ पर दया करो साहब। बस 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 देख वो सामने वाली सोसाइटी में 3rd फ्लोर पे डॉक्टर कुमार रहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, उनके ऊपर वाला फ्लैट खाली है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाली है, जस्ट गो एंड अटैक। ठीक है अभी काम तमाम करके आती हूँ अभी। अरे मेरी माँ कैरेक्टर में तो जा। ओ हाँ अभी काम तमाम करके आती हूँ भाभी। गुड गर्ल। अरे हो गया सारा काम, चल निकल जल्द जल्द। भाभी आपका ये प्रेगनेंसी का बहाना ना बहुत ही मस्त है, क्या बेवकूफ बनाया हमने उस लेडी डॉक्टर को। अभी तो तू देखती जा इस शादी दिमाग में क्या क्या आइडिया है। माल तो सलामत है ना? अरे भाभी सब फिट करके लाई होगी। निकल रुक 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 भाभी रुक जा। कहाँ चले मैडम? भाभी भाभी मासूम के आड़ में ये सब कुछ करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पैसे कमाने के लिए कोई इतना गिर सकता है यकीन नहीं आता, लेकिन इस तरह के पैसे फलते नहीं है मनीषा जी, गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। अरे कम से कम उस मासूम बच्चे के बारे में सोच लिया होता, उस पर क्या असर पड़ेगा। शर्म आती है मुझे आप जैसे औरतों पर और आप जैसी माओ पर। ले चलो इन्हें भाभी, ले चलो भाभी।